ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कंफर्म तत्काल टिकट 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट 40 सेकंड में कैसे आप बुक कर सकते हैं, वो भी विदाउट सॉफ्टवेयर। ज़्यादातर जो टिकट बुक होते हैं सॉफ्टवेयर एक टेंशन या फिर सॉफ्टवेयर से टिकट बुक होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर एक टेंशन यूज करना इनलीगल है। इसलिए हम आपको बताएंगे और विदाउट सॉफ्टवेयर एक टेंशन विदाउट आप लोग तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो आप लोग को करना क्या, सिंपल वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल सलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लोगों को जो IRCTC का पेज जो होता है लॉग आउट हो जाता है, फिर लॉग आउट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद साइन इन करना है। मैं फटाफट कर लेता हूँ। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे, AC हो या फिर स्लीपर हो, 3 से 4 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। तो आप लोगों को लॉगिन 3 से 4 मिनट पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। मुजफ्फरपुर के लिए सेलेक्ट करना है, मुजफ्फरपुर में सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टेशन में। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आज 23 है, तो कल आपको 24 को बुक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोटा आपको सेलेक्ट करना है। तो स्टार्टिंग में आपको जनरल कोटा ही सेलेक्ट करना होगा। क्यों करना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग प्लान वाइज जोनी, इसके बाद पर्सनल डिटेल, इसके बाद बैंक डिटेल पहले से ही सेव करके रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं वो बताने वाला हूँ। सिंपल आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएगा, जो सारे ट्रेन का लिस्ट आ जाएंगे। इसके बाद इस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है, सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पैसेंजर नेम फिल करना है। पैसेंजर नेम पे फिल कर लेता हूँ। इसके बाद एज ग्रुप टाइप करना है। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है, जहाँ आपको जाना है। मैं बिहार जा रहा हूँ, बिहार सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद पिन सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जा रहा है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ करना है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद कैप्चर फिल करना है D7KB। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेट बैंकिंग। इसके बाद SBI पे एंड बुक पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूजर नंबर पासवर्ड, इसके बाद लॉगिन फिल करना है। मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। देख लीजिए, जैसे ही लॉगिन किया हो तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेव करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड चेक कर लेना सही है या फिर गलत है। सही है तो आपको यहाँ से सिंपल सेव कर देना है। सेव कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक करना है। तो बैक करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। ये जो आपको कोशिश करना है 5 से 7 मिनट पहले कर सकते हैं, या फिर 10 मिनट पहले ही कर सकते हैं इस पेज के लिए। सिर्फ जो यहाँ पर आपको बैक डिटेल सेव करने के लिए, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड सेव करने के लिए। इसे हम फिर से हमें बैक करना होगा, तो बैक को करना होगा तो मैं लॉग आउट हो जाएगा। इसे हम इस पेज को लॉग आउट ही कर देता हूँ, कट ही कर देता हूँ। इसको फिर से हमें लॉगिन करना है। फर्स्ट वाले जो प्रोसेस आपको करना है, पाँच से सात नहीं, आपको 10 से 15 मिनट पहले करना है। ये सेव कर लेना है, क्योंकि एक टाइम फर्स्ट टाइम आपको सेव करना होता है। इसके बाद सिंपल आप सेकेंड टाइम जब लॉगिन करेंगे तो आपको 4 से 5 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना। पहले फटाफट लॉगिन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो आपको 3 से 4 मिनट पहले लॉगिन करना है। इसके बाद फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जनरल यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जनरल रख देना है फर्स्ट टाइम में। इसके बाद जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है, सिंपल आपको क्लिक करना है, बुक नाउ पे क्लिक कर देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल फिल करना है। ये जो प्रोसेस करना है आपको तत्काल टिकट से बुकिंग ओपन होने से 2 से 3 मिनट पहले प्रोसेस हो जाना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे सोनू टाइप करता हूँ। इसके बाद एज डाल देता हूँ। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करता हूँ।
से बर्थ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, नीचे की तरफ आना, इसके बाद एड्रेस फिल करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना, इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से आपको बैक कर देना है, फिर एक बार हमें और बैक करना होगा, हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, ये जो प्रोसेस जो है आपको 11 बजने से पहले हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू दिल्ली से मुजफ्फरपुर, डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी तत्काल सेलेक्ट करना है। नीचे की तरफ आने, यहाँ पे आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बुकिंग अभी नहीं खुला है, आपको सिंपल करना क्या, और आपको यहाँ पे देख रहे टाइम देख रहे हैं, टाइम चलता रहता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पे जो है ना इस सिस्टम का टाइम जो है आपको एक मिनट आगे कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक मिनट ऑलरेडी आगे कर रखा हूँ, इसलिए क्योंकि पेज आपका लोग आउट ना हो। तो सिंपल इसके बाद क्या करना है, 11 बज के जैसे ही आपको एक मिनट होगा, या पी ए सी बुक कर रहे हैं तो 10 बज के 1 सेकेंड से 2 सेकेंड होता है। तो सिंपल आपको जिस क्लास में टिकट बुक करना है, सिंपल आपको यहाँ पे देखेगा ऑलरेडी, तो मेरा स्लीपर है तो स्लीपर सेलेक्ट करके रखूँगा, एसी है तो एसी सेलेक्ट करके रखना है, स्लीपर है तो सिंपल आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक फ्लेश कीजिएगा तो इसका बुकिंग खुल जाएंगे। तो इसके बाद आपको सिंपल बुक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बुक नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको 5 से 7 सेकंड बच जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल जो है आपको ऑलरेडी पहले से सेव मिलेगा। यहाँ with the bills.